वेलकम टू द एवरीडे कंज्यूमर गाइस। और आज मेरे पास है सोलिमो की टी लाइट कैंडल्स जो मैंने amazon.in से मंगाई हैं। और ये मैंने मंगाई है दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो घर पे डेकोरेशन करनी है, उसके लिए मैंने ये मंगाई हैं। और इनका जो प्राइस है वो है 280 रुपये, और 280 में 100 कैंडल्स आती हैं और ये जलती हैं 2 घंटे 50 मिनट तक, ऐसा ये क्लेम करते हैं। पर ये मैंने पिछले साल भी मंगाई थी, ये करीबन 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट तक चल जाती हैं आराम से, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसलिए मैंने इनको दोबारा मंगाया है। वैसे इनसे सस्ती जो कैंडल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो जल्दी बुझ जाती हैं और प्रॉपरली जलती नहीं हैं, और कुछ तो टूटी हुई निकलती हैं, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से मंगाई हैं। और आज इनकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं आपको वापस मिलता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। तो अब इनको अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने कट कर दी इसकी टेप, तो ये खुल चुका है बॉक्स। तो ये हमारी कैंडल्स, ये देखिए टी लाइट कैंडल, एंड ये इसकी विक है या बत्ती है, जो भी आप कहना चाहें। तो इसमें 100 पीसेस आते हैं और ये 280 रुपये के आपको पड़ते हैं। और इसमें से एक कैंडल मैं आपको लाइट करके भी दिखाऊंगा, जला के भी दिखाऊंगा। और ये 2 घंटे 50 मिनट जलती है जैसा कि ये क्लेम करते हैं, पर उतनी नहीं जलती है, 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट जलती है। और अगर आप इसे किसी ओपन स्पेस में रखेंगे जहाँ हवा चलती है तो और भी जल्दी ये बंद हो जाती है। अगर आप इसको किसी क्लोज्ड जगह पे रखेंगे तो 2 घंटे 10 मिनट आराम से चलती है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये एक कैंडल लाइट करके दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, पीस। तो ये मैंने एक कैंडल लाइट कर दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से जलती है। तो इसको आप हाथ में भी उठा सकते हैं, इसका जो मोम है वो गिरता नहीं है, अगर टेढ़ा करेंगे तभी गिरता है।